अब देखो आपने सिर्फ लोन एक दो ही ले रखे हैं, लेकिन पेटीएम पर और जहां भी आप सिविल स्कोर चेक करते हो तो वहां पे बहुत सारे लोन एक्टिव दिखाता है। जैसे कि मैंने अभी सिर्फ 3 लोन ले रखे हैं, एक अमेजोन पे लेटर यूज कर रहा हूं मैं, दूसरा बाइक लोन चल रहा है, तीसरा मेरा मनी व्यू से लोन चल रहा है। ठीक है, 3 लोन हो गए मेरे, लेकिन यहाँ पे कितना दे रहा है, 5 लोन एक्टिव, लेकिन अभी यहाँ पे 6 हो जाएंगे। मैं इस पर क्लिक करूंगा एक बार। अब देखो, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अब व्यू मोर पे नीचे क्लिक करेंगे तो टोटल आप देखोगे यहाँ पे 6 लोन है। तो यहाँ पर अभी 5 ही दिखा रहा है, अभी थोड़ी देर पहले 6 दिखा रहा था, पता नहीं कौन से नशे में रहते हैं ये। अब फॉर एग्जांपल मान लो आपका कोई भी, यहाँ पर 2 व्हीलर लोन तो मेरा रियल है, बाद बाकी के ये जो लोन है वो अलग ही लेवल पे चल रहे हैं, क्योंकि मैंने पास्ट के लोन देखो, डेट देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हम इस पे क्लिक करते हैं तो इसकी ओपनिंग डेट मतलब इतने तारीख को मैंने लोन लिया है, 16 दिसंबर 2022 में। और ये तो भाई मैं कोई लोन ले रहा हूँ ऐप से तो वो 2-4 महीने के लिए देता था और मैं उसे पे भी कर देता था। तो इसी तरीके से बहुत पुराने पुराने अकाउंट हैं, 2022 का ये भी है, ठीक है, इतने तारीख को ओपन हुआ है। लेकिन अब सोचो 2024 एंड होने वाला है, 3 साल हो गए अभी तक ये पे ही नहीं हुआ, जबकि हम तो पे कर चुके हैं, मेरे पास तो कोई कॉल भी नहीं करता कि आपका अमाउंट ड्यू चल रहा है, लेकिन ये एक्टिव दिखाते रहते हैं यहाँ पे, जिससे सिविल स्कोर नहीं बढ़ता है। सिविल स्कोर डिपार्टमेंट को लगता है कि ये बहुत ही भिखारी है जिससे ये पे नहीं कर पा रहा है। तो हम इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, पहले इस पर एक बार टैप करते हैं। अभी देखो ये ओपन डेट है, क्लोज डेट है, अमाउंट रिमेनिंग अभी बता रहा है कि इतना आप पे करो। ये मोबाइल लिया था मैंने उसका है, जबकि मोबाइल की एक भी EMI बाउंस भी नहीं हुई, ऑटो डेबिट हुई है सारी। अब बताओ क्या चल रहा है, ये ऐसे इंडिया में बढ़ेगा क्या? तो नोटिस इन एरर पे क्लिक करके यहाँ पे सामने रिपोर्ट का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लेना। अब यहाँ पे ये 2 ID मिलेंगी, आपको कॉपी कर लेनी होंगी, कॉपी करोगे कन्फ्यूज हो जाओगे, आप चाहो तो इन्हें स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। प्रोसीड पे क्लिक कर लेते हैं हम, उसके बाद आप इस वाले इंटरफेस पे आ जाओगे तो गूगल पे अपलोड करोगे स्क्रीनशॉट एंड यहाँ से आप उन आईडी को कॉपी करके यहाँ सारी आईडी पेस्ट कर देना, ठीक है। एंड उसके बाद हम वेरीफाई पे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, रिपोर्ट फाउंड दिस, मतलब हमने गलत डाल दिए, मतलब सेम नंबर हो चुके हैं दोनों में। सही आईडी डालने के बाद हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अब देखोगे यहाँ पर ये डिटेल है, आप पढ़ लेना। हम एक्सिस क्रेडिट इस रिपोर्ट पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग कि हम लॉगिन कैसे करें, तो लॉगिन नहीं करना है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आए हो, तो इसलिए आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। हम यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक OTP आएगा, वो आपको फिल करना है। फिल करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है, हम यहाँ वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ देखोगे प्लीज एंटर योर न्यू पासवर्ड, आप अपना पासवर्ड बना सकते हो। पासवर्ड बनाने के बाद आप यहाँ फिनिश पे क्लिक कर लेना, देख सकते हो योर साइन इन सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आपको बेवकूफ बना जाएगा सब्सक्रिप्शन के नाम पे, आप 499 रुपए इनको पे करो, लेकिन 499 में आपको इतनी सारी फैसिलिटीज मिलेंगी जिनका फायदा इतना है कि मैं उन्हें पढ़ भी नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो समझ जाओ कितना फायदा है। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा फ्री प्लान का, हम इस पे क्लिक कर लेते हैं, वाई नाउ। इस वाले इंटरफेस पे आने के बाद आपको यहाँ पे वो नाम डालना है जो आपके आधार कार्ड पैन कार्ड में है, ईमेल आईडी डालनी है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल। उसके बाद यहाँ पर आप पैन कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो, और भी डिटेल चाहो तो और सेलेक्ट कर लेना। पैन कार्ड नंबर नीचे डालना है, एड्रेस आपका ऑटोमेटिकली आ सकता है, नहीं तो आप आधार कार्ड से फिल करोगे भी। और यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डाल देना होगा जो कि आपको आधार कार्ड पर मिल जाएगा। गेट रिपोर्ट पर हम क्लिक कर देंगे, इसको हम ओके करते हैं पहले। अब देखो यहाँ पर आप ये चीज़ कर देना, इससे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ जाएगा, ऐसा नहीं कि इससे सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। अब जो लास्ट ट्रिक होगी उससे ही जो भी फर्क पड़ेगा, जो भी आप उखाड़ पाओगे उसी से ही उखाड़ पाओगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है, मतलब थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा इससे। अब आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप जहाँ भी जाओगे, जहाँ से भी चेक करते हो तो लैंडिंग पार्टनर का नाम आता है, पूरी बात सुनना, ठीक है, अधर पर मत भागना। यहाँ पे क्या करना है, आपको 5 लोन है, जितने भी लोन है उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस लोन के बारे में आपको डिस्कस करना है, इस पर क्लिक करो। अब देखो ये है, अब मैं किसके बारे में, मान लो इसके बारे में करता हूँ, फर्स्ट वाले के, ठीक है, DMI फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी से ये लोन है। तो यहाँ पर आपको ये नाम गूगल पे सर्च करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूँ गूगल पे, गूगल पे इस नाम को पेस्ट किया। अब यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर हम लास्ट में लगा देते हैं, या फिर कस्टमर केयर नंबर,
तो ये नंबर है, इस पे आप कॉल करो, इनसे डिस्कस करो, इनको गरियाओ, इनको समझाओ कि भैया हम ये कब का कर चुके हो, तुम अभी भी पता नहीं सैनिटाइजर के नशे में बैठे हो क्या। तो इनसे बोलो कि हमारे एक्टिव अकाउंट को क्लोज कर दो। एंड अगर आप लोन वगैरह लेना चाहते हो, मैं टॉप 5 रियल लोन एप्लीकेशनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और टेलीग्राम पे बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशनों का लिंक देता रहता हूँ, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो।